ज्ञानवापी विवाद पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। कल फिर ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होगी और जज ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो खुद ज्ञानवापी जाऊंगा। बुधवार को 2 बजे फिर ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई होगी। तो आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, कल फिर ज्ञानवापी विवाद को लेकर यह सुनवाई होगी। जज ने कहा जरूरत पड़ी तो खुद ज्ञानवापी सुनवाई होगी। कल आदेश हो जाएगा, न्यायालय ने मौखिक कर दिया है और न्यायालय द्वारा मौखिक यह भी कहा गया है तो आवश्यकता पड़ी तो मैं मुख्य पर चल चलूंगा। हाँ, न्यायालय ने कहा, न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वतः मौके पर कमिशन कार्रवाई करने चलूंगा। प्रतिवादी पक्ष का क्या रवैया था, क्या किस तरह का बहस कर रहा था? प्रतिवादी पक्ष बराबर विरोध में बहस करते, विरोध में बहस करेंगे। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विरोध में बहस था, प्रतिवादी 1-3 उत्तर प्रदेश सरकार सचिव और कमिश्नरेट जिला अधिकारी द्वारा जो आया है उस पर उन्होंने उनका एक आपत्ति आया है कि हम लोगों को आदेशित किया जाए, स्पष्ट आदेश किया जाए कि कौन जाएगा ताला तोड़वाने, चाबी कहाँ है, कैसे, इसका आदेश स्पष्ट कर दिया जाए। स्पष्ट आदेश के लिए मांग की गई है। आज वो जो बाधा थी वो उसको लिए आप लोगों ने बात किया जज साहब से, कहा कि जो वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है या? हाँ, इसी पर मेरा आपत्ति है, बात क्या करना है, इसी पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया हूँ, इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति आ गई है और उन्होंने स्पष्ट आदेश के लिए मांग किया है और प्रतिवादी संख्या 4 मियां द्वारा इस पर कहा गया है कि मैं अभी इस पर आपत्ति नहीं दे पाऊंगा, मुझे समय चाहिए। न्यायालय ने कल के लिए समय लगा दिया है, कल समय देना उनको लिए जरूरी है, एकदम निश्चित है। जब उनके तरफ से अजमेंट आ चुका है तो समय दिया जाएगा अजमेंट में, इसलिए कल ही रखा गया है, कल दोनों पर ऑर्डर कर देंगे, वकील कमिश्नर भी ऑर्डर करेंगे और इस पर भी ऑर्डर करेंगे कि ताला चाबी कौन खुलवाएगा। और माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक कहा गया, हम लोग निवेदन किए कि आप स्वतः न्यायालय चले, वहां पर स्थिति को देखते हुए जो वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है तो न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि यदि ऐसा आवश्यकता समझी जाएगी तो मैं स्वतः चलूंगा। तो बुधवार को 2 बजे फिर ज्ञानवापी पर अब सुनवाई होगी और अगर आश्वासन भी दिया गया है कि जरूरत पड़ी तो खुद वहां पर पहुंचेंगे जो जज हैं, ये भी बात कही गई है। और आज की सुनवाई पूरी हो गई है लेकिन कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद लगातार जारी है। 6 मई को हुए सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी और आज जिला अदालत सर्वे की अगली तारीख पर फैसला सुना सकता है, ये उम्मीद की जा रही थी। आज की सुनवाई पूरी हो गई है, कल फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो पहले ज्ञानवापी, फिर मथुरा की शाही मस्जिद, कुतुब मीनार और अब ताजमहल अलग अलग वजहों से सुर्खियों में है। ताजमहल के सर्वे के लिए याचिका दी गई है, दावा यह किया गया है कि ताजमहल के 22 कमरे बंद हैं, ये कमरे खुलेंगे तो एक अलग सच सामने आएगा। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी है। तो ताजमहल मकबरा है या मंदिर, इसको लेकर विवादों के घेरे में है ताजमहल। जैसा हमने आपको बताया कि सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में ये याचिका दाखिल की गई है। रजनीश सिंह बीजेपी के नेता हैं, उनकी ओर से ये अर्जी दाखिल की गई। अब 22 जो बंद कमरे हैं वो खुलने चाहिए, ये मांग रखी गई है इस याचिका के जरिए कि 22 बंद कमरों का सर्वेक्षण होना चाहिए। अब दावा यह किया जा रहा है कि कमरों में भगवान शिव की मूर्ति हो सकती है। हालांकि कब इस मामले की सुनवाई होगी तारीख अभी तय नहीं है। तो ताजमहल है या शिव मंदिर है, इसको लेकर यह पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। तो सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई है, जैसा हमने आपको बताया इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दाखिल की गई है। डॉक्टर रजनीश सिंह बीजेपी नेता की ये अर्जी है, मांग ये की गई है कि 22 बंद कमरों का सर्वेक्षण होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि कमरों में भगवान शिव की मूर्ति है, लेकिन सुनवाई इस मामले की कब होगी तारीख अभी तय नहीं है। तो एक तो ताजमहल विवादों के घेरे में है और अब दिल्ली का कुतुब मीनार भी विवादों के घेरे में आ चुका है। आज दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहर हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इन लोगों का मानना है कि कुतुब मीनार जैन और हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाया गया था। इनकी मांग है कि इस परिसर में लगी जैन और हिंदू देवी देवताओं का जीर्णोद्धार कर पूरे सम्मान के साथ इन्हें स्थापित किया जाए और हिंदुओं को यहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए।
तो कुतुब मीनार के पास ये एक हिंदूवादी संगठन जिसने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन लोगों का मानना ये है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की जो वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उन्हें सम्मान के साथ स्थापित किया जाए और इन लोगों को वहां जाकर पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो जैन और हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाया गया कुतुब मीनार, ये इस हिंदूवादी संगठन की ओर से दावा किया गया है। आपने देखा कि किस तरह से ये कुतुब मीनार के पास ही वहाँ पर ये हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इनकी ओर से मांग की गई कि वहाँ पर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उनको सम्मान के साथ स्थापित किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए और इनको वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। वैसे तो ये अंदर परिसर में जाना चाहते थे, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई थी इसीलिए वहाँ पर पास में इन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो नाम बदलने की मांग की जा रही है कि विष्णु स्तंभ इसका नाम रखा जाए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से ये हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर पढ़ा गया। कुतुब मीनार नाम नहीं होना चाहिए, विष्णु स्तंभ होना चाहिए जो पहले हुआ करता था, ये इनकी ओर से दावा किया जा रहा है। 27 जैन हिंदू मंदिर ध्वस्त कर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, ये इनकी ओर से दावा किया जा रहा है। परिसर में जो मूर्तियां लगी हुई हैं उसका जीर्णोद्धार कर उन्हें सम्मान के साथ स्थापित किया जाए और पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो हिंदू संगठनों की ओर से 5 मांगे रखी जा रही हैं। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किया जाए, मस्जिद के ढांचे को मंदिर घोषित किया जाए, ये दूसरी मांग है। दीवार पर लगी हुई भगवान की मूर्तियों की पूजा हो, परिसर में हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ हो, मूर्तियां निकालकर एक जगह पर प्रतिष्ठित की जाए और इन्हें वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.